अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 5 to 9 करेंगे इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखेंगे, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस ए। तो सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका रेडियस ए है, रेडियस दिया हुआ है, लाइंग इन सेकंड क्वाड्रेंट, सर्कल जो सेकंड क्वाड्रेंट में है, सच दैट इट इज़ टेंजेंट टू बोथ एक्सिस। टेंजेंट टू बोथ ऐसे क्या मीनिंग होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को टच करता है। तो ऐसे सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका रेडियस ए है, सर्कल सेकंड क्वाड्रेंट में है, वो दोनों एक्सिस को टच करता है, टेंजेंट है यानी दोनों एक्सिस को टच करता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसके डायग्राम बनानी है। ये वाला एक्स एक्सिस ड्रा कर लेना, ये वाला वाई एक्सिस ड्रा करना, ये वाला ओरिजिन है। अब हमें सर्कल ड्रा करना है, ये देखिए ये एक्स एक्सिस का भी टच कर रहा है यहाँ पर इस पॉइंट के पर, वाई एक्सिस का भी टच कर रहा है इस पॉइंट के पर। तो दिस सर्कल इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट एंड इट इज टेंजेंट टू बोथ एक्सिस। ये वाला सर्कल सेकंड क्वाड्रेंट में है, दोनों एक्सिस को टच करता है। तो उसे बताया हुआ है इसका रेडियस ए है, यानी ये वाला इसका रेडियस है, दिस इज इक्वल टू ए, ये भी इसका रेडियस है, दिस इज इक्वल टू ए। तो ये इसका सेंटर है। अब इसको देखकर हम लिख सकते हैं सेंटर के, हम कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। ये देखें, ये वाला लेफ्ट साइड के ऊपर है, ये वाला डिस्टेंस कितना है, एक इक्वल है, ये वाला ए है ना, ये वाला डिस्टेंस कितना है, ए है, ठीक है। यह ओरिजिन के लेफ्ट साइड के ऊपर है, इससे ए की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव होगी। तो जो इसका जो एस कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, माइनस। माइनस क्यों आया, इसलिए कि ये वाला ओरिजिन के लेफ्ट साइड के ऊपर, इसके लिए इसके साथ मैंने माइनस का साइन लगाया। ये वाई है, ये इतना वाई, ये वाला डिस्टेंस भी जो वाई एक्सिस के साथ है एक इक्वल है, ये ओरिजिन के ऊपर है, ऊपर वाली साइड के ऊपर, इसलिए इसके साथ हम प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस है। लेफ्ट साइड पर एस की वैल्यू माइनस ही होगी, ऊपर है तो एस वाई की वैल्यू प्लस ही होगी। तो ये सर्कल के हमने जो सेंटर है उसके हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए हैं। तो गिवन क्या है, हमें लिख देंगे रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल वो कितना है, ए है, जो सेंटर है वो कितना है, माइनस ही हो रहे है। तो दोनों चीज़ों का हमें पता है, रेडियस का भी पता चल गया, दिया हुआ है, वहाँ से हमने डायग्राम ड्रा की, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमने लिख लिए हैं। तो दिस सिंपलाइज एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए, के इज इक्वल टू प्लस ए। जब सर्कल का सेंटर रेडियस दिया होता है, सेंटर क्या होता है, एच के, सर्कल का सेंटर क्या होता है, एच के, ये वाली एच के वाली है, ये वाली के की वैल्यू है। इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, इक्वेशन ऑफ सर्कल के दो इक्वेशन होती हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है और दूसरी जनरल फॉर्म होती है। तो कौन सी फॉर्म लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। जब आपको सर्कल का सेंटर और रेडियस दोनों पता है, फिर कौन सी फॉर्म लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म भी सर्कल क्या है, एस माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। इसमें वैल्यूज पुट कर दें, एस माइनस एच वैल्यू कितनी है, माइनस ए है, ये प्लस ए हो जाएगा, वाई माइनस के की वैल्यू प्लस ए है, ए स्केयर, आर की वैल्यू ए है, तो ए स्केयर। अब इसका स्केयर खोल दें, एस स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस टू ए एस, इसका भी स्केयर खोल दें, वाई स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस टू ए वाई, ए स्केयर इधर आकर माइनस हो गया, माइनस ए स्केयर इक्वल टू जीरो, प्लस ए स्केयर माइनस ए स्केयर कैंसिल हो गया। इसको अरेंज कर लेंगे, एस स्केयर के साथ क्या लिखेंगे, वाई स्केयर, स्केयर प्लस वाई स्केयर, फिर प्लस टू ए एस, फिर माइनस टू ए वाई, फिर प्लस ए वाला ए स्केयर इज इक्वल टू जीरो। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। बस इसमें इतना ही काम करना था, क्वेश्चन नंबर करते हैं 6 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखें, शो दैट द लाइंस, ये एक लाइन है एंड दिस लाइन, ये दूसरी लाइन, दो लाइन है, एक ये वाली लाइन है, दूसरी ये वाली लाइन है, आर टेंजेंट टू द सर्कल, ये सर्कल की इक्वेशन है। हमें क्या शो करना है कि ये लाइन और ये लाइन दोनों इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट है, यानी दोनों इसको टच करती हैं, ये लाइन भी सर्कल को टच करती है, ये लाइन भी सर्कल को टच करती है। तो मैंने क्या किया, सर्कल बना लिया, ठीक है। तो दो लाइनें आप ड्रा कर लें,
क्या करें, दो लाइनें ड्रा कर लें, एक लाइन जहाँ पर मर्जी ड्रा कर लें, रफ डायग्राम बनानी है तो जहाँ पर मर्जी दोनों लाइनें ड्रा कर लें। दो लाइनें मैंने ड्रा कर ली हैं जो दोनों सर्कल को टच कर ली हैं। यह सर्कल का सेंटर है, ठीक है। यह जो लाइन है सर्कल को इस पॉइंट के ऊपर टच करती हैं, इस पॉइंट का नाम मैंने ए लिख लिया है। यह लाइन सर्कल को इस पॉइंट के ऊपर टच करती है, इसका नाम मैंने बी लिख लिया है। तो मिला दें सेंटर को पॉइंट ए के साथ, मिला दें और सेंटर को पॉइंट बी के साथ मिला दें। यह सर्कल का सेंटर है, ये देखिए ये भी सर्कल का रेडियस है, ये भी सर्कल का रेडियस है। तो ये फर्स्ट लाइन, ये लाइन है, दोनों साइडों पर एरो लगाते हैं। जब भी हमने लाइन ड्रा करनी है दोनों साइडों पर एरो लगाने हैं। तो इसकी इक्वेशन क्या है, 3s-2y, इसकी इक्वेशन है 3s-2y = 0। दूसरी क्वेश्चन ये वाला 2s+3y, ये इसकी है 2s+3y-13 = 0। तो हमने प्रूव करना ये लाइन जो है वो भी टेंजेंट टू द सर्कल है, ये लाइन भी टेंजेंट टू द सर्कल है। तो पहले हम सर्कल लिखते हैं, सर्कल क्या है, s² + y² + 6s - 4y = 0। तो इस सर्कल का पहले हम सेंटर फाइंड करेंगे और रेडियस फाइंड करेंगे। इसका सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, जनरल इक्वेशन के साथ, s² + y² + 2gs + 2fy + c = 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो 2g की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। एस का रेस्टर के वाला है, एस के वाला है, यहाँ पर एस का क्वेश्चन 6 है, यहाँ पर एस का क्वेश्चन 2g है। तो दिस इम्प्लाइज 2g = कितना आ जाएगा, 6। एफ वाई का क्वेश्चन 2f है, 2f = -4, 2f = c, यहाँ पर c नहीं है तो c की वैल्यू क्या आ गई, 0 हो गई। तो 2 के साथ डिवाइड कर दें तो g = कितना आएगा, 3, f = -2, c = 0। तो देखो जो सेंटर है वो क्या होता है, -g - f। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, या जो सर्कल होता है इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, -g - f। तो -g = कितना, 3 आ गई, -f आती है +2 हो जाएगा, तो सेंटर आ गया -3/2। ये सर्कल का जो रेडियस है वो क्या होता है, रेडियस का फार्मूला क्या होता है, g² + f² - c। ये फार्मूला है रेडियस ऑफ दी सर्कल का। तो इस पर वैल्यू स्पोर्ट कर दें, जी की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3² + f² - 2, c = 0। तो 3² कितना हो गया, 3² हो गया 9, -2² 4, 0 ख़त्म हो गया, तो √13 आ गया। तो सेंटर इसका आ गया -3/2, सर्कल का सेंटर आ गया -3/2, रेडियस आ गया √13, √13, ये भी √13 है, ये भी √13 है। यानी जो CA है, CA किसके बोले, रेडियस ऑफ द सर्कल √13। ये जो CB है वो भी रेडियस ऑफ सर्कल है √13। प्रूव कैसे करेंगे कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वो टेंजेंट टू सर्कल है, हम प्रूव करेंगे इस लाइन का सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अगर इस लाइन का सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल आ जाए, और इस लाइन का सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल आ जाए तब प्रूव हो जाएगा। तो दिस लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल। तो हम क्या लिखें, फर्स्ट लाइन लिख लें। फर्स्ट लाइन क्या, 3s - 2y = 0, और सेंटर कितना है इसका, -3/2, जो रेडियस सेंटर ऑफ दिस सर्कल वो क्या है, -3/2। तो हम फाइंड करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो किसका, सी ए। तो CA = क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो किसी लाइन का
किसी पॉइंट से डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, ये एस की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, ये वाई के लिए यहाँ पर पुट कर दें, क्या लिखें 3 और एस का हम क्या लिखते हैं ना माइनस थ्री माइनस टू, वाई को क्या लिखते हैं 2 या 3, एस को माइनस थ्री लिख दिया, फिर माइनस टू वाई को 2 लिख दिया। साथ ही इसका हमने क्या लेना मॉडुलस वैल्यू लेनी है, मैग्नीट्यूड ले लेनी या मॉडुलस वैल्यू ले लेनी है, डिवाइडेड बाई एस का कोएफिशिएंट क्या है 3, वाई का कोएफिशिएंट क्या है माइनस टू स्क्वायर। ऊपर हमने क्या किया पॉइंट को इस पर पुट कर दिया, नीचे जो कोएफिशिएंट है एस और वाई के उनका स्क्वायर ले लिया, ये माइनस नाइन माइनस फोर साथ दस की मॉडुलस वैल्यू डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9 माइनस टू का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू -13, ये मॉडुलस वैल्यू डिवाइडेड बाई, तो जो मॉडुलस वैल्यू होती है वो नेगेटिव साइन को ख़त्म कर देती है, सी इज इक्वल टू जो मॉडुलस वैल्यू माइनस साइन को ख़त्म कर देती है, ऊपर 13 आ गया नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 13 आ गया। अब इसको देखो इसके 30 के बाद कितनी है 1 है, इसमें 30 के बाद 1/2 है, तो 30 इसकी जो पावर है वो कितनी हो जाएगी 1, नीचे वाली पावर ऊपर जाकर उसमें से माइनस हो जाएगी, तो 30 की पावर कितनी आ गई 1 माइनस 1/2 1/2, तो इसका हम क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 13, ये किसके इक्वल आ गया रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल आ गया, तो दिस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। तो हमने क्या क्या फर्क किया, इस लाइन का सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर का डिस्टेंस फाइंड किया वो सर्कल के रेडियस से इक्वल है, तो दिस प्रूव डैट, तो ये क्या प्रूव करता है कि दिस लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल, देयरफॉर लिख रहे देयरफॉर द लाइन इज टेंजेंट टू सर्कल। ये सब सेकंड लाइन ले लेते हैं, सेकंड लाइन है ये वाली, सेकंड लाइन है 2s + 3y - 13 2s + 3y - 13 = 0 और सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है -3/2, तो प्रूव करना है कि दिस लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल, तो कैसे प्रूव करेंगे, हम प्रूव करेंगे इस लाइन का सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल है रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल है, अगर इस लाइन का सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सर्कल के रेडियस से इक्वल आ जाए तो प्रूव हो जाएगा दिस लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल, वो क्या है सी बी है, इसको सी बी लिखा है मैंने, तो सी बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम दिस सेंटर, तो यहाँ पर ये इस पॉइंट को इस पर पुट कर दें 2 और इसके वाले क्या लगा देनी है -3 + 3 वाई की वैल्यू क्या है 2 फिर -13 इसकी मॉडुलस वैल्यू डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एस 2 है कोएफिशिएंट ऑफ वाई 3 है इनके स्क्वायर, ये -6 + 6 - 6 + 6 - 13 इसकी मॉडुलस वैल्यू डिवाइडेड बाई 4 + 9 ये कट गया आ गया -13 मॉडुलस वैल्यू ओवर 13, तो मॉडुलस वैल्यू माइनस साइन को ख़त्म कर देती है सी बी इज इक्वल टू +13 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 13, फिर इसकी वैल्यू 1 है इसकी पावर 1 इसके बाद 1/2 है स्क्वायर रूट ऑफ 13 हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, तो देयरफॉर लिखते गए द लाइन इज टेंजेंट टू सर्कल। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखें क्या लिखा हुआ है, शो डैट द सर्कल्स एक वाला सर्कल है एंड दूसरा ये वाला सर्कल है टच एक्सटर्नली, तो शो हमने करना है ये सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं एक्सटर्नली यानी बाहर वाली साइड से, यू इसके डायग्राम बनेगी एक वाला सर्कल है दूसरा ये वाला सर्कल है दोनों टच कर रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर बाहर से टच कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को बाहर से यानी एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो क्या करना पहले हमने फाइंड करना है ये वाला सर्कल है इसका सेंटर और रेडियस फाइंड करेंगे इस सर्कल का सेंटर और रेडियस फाइंड करेंगे, तो पहले फर्स्ट सर्कल ले लेते हैं फर्स्ट सर्कल
एस के प्लस वाई एस के प्लस टू एस माइनस टू वाई माइनस सेवन इक्वल जीरो। इसका सेंटर रेडियस फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन और सर्कल के साथ, एस के प्लस वाई स्क्वेयर प्लस टू जी एस प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो टू जी की वैल्यू टू आ गई, टू एफ की वैल्यू माइनस टू, सी की वैल्यू माइनस सेवन। तो दिस इम्प्लाइज टू जी इज इक्वल टू प्लस टू, टू एफ इज इक्वल टू माइनस टू, सी इज इक्वल टू माइनस सेवन। टू से डिवाइड कर दें तो जी इज इक्वल टू वन, एफ इज इक्वल टू माइनस वन, सी इज इक्वल टू माइनस सेवन। तो सेंटर सी, इसको सी वन लिख लें, सी वन इज इक्वल टू क्या होता है माइनस जी माइनस एफ। ये सेंटर का फार्मूला है, माइनस जी कितना आ गया माइनस वन, माइनस एफ क्या आ गया प्लस वन। ये सेंटर आ गया माइनस वन और वन, माइनस वन और वन। ये फर्स्ट सर्कल है उसका सेंटर आ गया माइनस वन और वन। और रेडियस फाइंड कर लें, इसको आर वन लिख लें। रेडियस का फार्मूला क्या होता है, जी स्केयर प्लस एफ स्केयर माइनस सी और इसका स्केयर रूट। तो जी की वैल्यू कितनी है वन स्केयर, एफ की वैल्यू माइनस वन है माइनस वन स्केयर, माइनस सी की वैल्यू माइनस सेवन है तो प्लस सेवन हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वन प्लस वन प्लस सेवन, आर वन इज इक्वल टू नाइन हो गया, स्केयर रूट ऑफ नाइन इज इक्वल टू थ्री। तो ये आर वन कितना आ गया, आर वन इज इक्वल टू थ्री। फिर हम सेकंड सर्कल ले लेते हैं, सेकंड सर्कल, सेकंड सर्कल क्या है, ये वाला एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फोर वाई प्लस नाइन इक्वल टू जीरो। इसका भी सेंटर और रेडियस फाइंड करते हैं, तो इसको कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के साथ, कंपेयर करने से टू जी की वैल्यू माइनस सिक्स आ गई, टू जी इज इक्वल टू माइनस सिक्स, टू एफ की वैल्यू फोर, सी की वैल्यू नाइन। टू से डिवाइड कर लें, जी इज इक्वल टू माइनस सी, एफ इज इक्वल टू टू, सी इज इक्वल टू नाइन। तो सेंटर सी टू लिख लें, इसका सेकंड सर्कल है माइनस जी माइनस एफ, तो माइनस जी कितना आ गया प्लस थ्री आ गया माइनस टू, तो थ्री माइनस टू ये क्या आ गया थ्री माइनस टू। ये जो सेंटर है ये आ गया थ्री माइनस टू। अब रेडियस फाइंड करते हैं इसका, आर टू जी स्केयर प्लस एफ स्केयर माइनस सी। तो जी की वैल्यू माइनस थ्री है माइनस थ्री स्केयर, एफ की वैल्यू टू है माइनस नाइन। तो आर टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा नाइन प्लस फोर माइनस नाइन, ये कट गया इज इक्वल टू फोर इज इक्वल टू टू। जो सर्कल सर्कल है उसका रेडियस कितना आ गया टू। तो फर्स्ट सर्कल का सेंटर रेडियस फाइंड कर लिया, सेकंड सर्कल का सेंटर रेडियस फाइंड कर लिया। हमने प्रूव क्या करना है, दोनों सर्कल जो टच करते हैं एक्सटर्नली, तो क्या कंडीशन होती है, द सर्कल्स विल टच, द सर्कल्स विल टच एक्सटर्नली इफ, द सर्कल्स में टच एक्सटर्नली इफ। देखिए मैं यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, ये सी वन से लेकर सी टू तक जो डिस्टेंस है, सी वन सी टू किसके इक्वल है, ये आर वन प्लस आर टू। अगर ये सी वन सी टू जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल आ जाए, आर वन प्लस आर टू के इक्वल आ जाए। तो इफ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर सी वन सी टू, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू सम ऑफ रेडियाई। ये स्टेटमेंट मैंने लिखी है, ये आपको एम सी क्यू में भी पूछी जा सकती है, तो इसको हमने याद करना है, एम सी क्यू भी इसका बन सकता है। तो द सर्कल्स में टच एक्सटर्नली इफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल सम ऑफ देयर रेडियस, और उनके सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है उनके रेडियस के सम के इक्वल आ गया।
आर वन प्लस आर टू कितना है? आर वन प्लस आर टू, आर वन की वैल्यू हमने 3 फाइंड किया, आर टू की वैल्यू 2 फाइंड किया, इज इक्वल टू 5। अब सी वन सी टू फाइंड करते हैं, तो स्टैंडर्ड सी वन कितना हमारे पास माइनस वन वन है, और सी टू कितना हमारे पास 3 माइनस टू। फर्स्ट स्टैंडर्ड है माइनस वन वन, और सेकंड स्टैंडर्ड है सेकंड स्टैंडर्ड है 3 माइनस टू। सी वन सी टू फाइंड करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड कैसे फाइंड करेंगे? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स है ना, तो कौन सा फार्मूला यूज़ करना है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, वो फार्मूला क्या होता है? एस टू माइनस एस वन स्केयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्केयर सारे का स्केयर स्केयर रूट। तो ये फार्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये एस वन वाई वन है, एस टू वाई टू है, तो 3 में से इसका माइनस करेंगे ये प्लस हो जाएगा, 3 प्लस वन स्केयर प्लस माइनस टू माइनस वन स्केयर। तो कितना आ गया ये वाला? 3 प्लस वन 4 हो गया, 4 स्केयर ये माइनस 3 स्केयर और सारे का स्केयर रूट 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 5। यहाँ पर देखें यानी फाइंड किया आर वन प्लस आर टू 5 के इक्वल है, सी वन सी टू भी 5 के इक्वल है, तो क्या लिख दिया? 4 सी वन सी टू इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू भी 5 है, इसकी वैल्यू भी 5 है, तो हैंस लिख सर्कस टच ईच अदर एक्सटर्नली। तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा जो दोनों सर्कल्स हैं वो एक दूसरे को टच करते हैं एक्सटर्नली। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 ये भी इस तरह के सवाल है, इसमें क्या प्रूव करना? जो सर्कल्स हैं वो टच करते हैं इंटरनली, शो दैट द सर्कल्स, ये फर्स्ट सर्कल है या सेकंड सर्कल है, टच इंटरनली, दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली यानी अंदर वाली साइड से टच करते हैं। इसकी न्यू डायग्राम बनेगी, एक ये वाला सर्कल है दूसरा ये वाला सर्कल है, यह देखिए जो अंदर वाला सर्कल है छोटा सर्कल है, बड़े सर्कल को अंदर से टच कर रहा है, छोटा सर्कल बड़े सर्कल को उसके अंदर वाली साइड से टच कर रहा है, ठीक है। ये वाला सेंटर, एक ये वाला सेंटर है बड़े सर्कल, ये वाला बड़े सर्कल का सेंटर है, ये वाला छोटे सर्कल का सेंटर है, तो इसको ये वाला यहाँ से कि यहाँ तक, ये वाला बड़े सर्कल का रेडियस है, ये वाला छोटे सर्कल का रेडियस है। तो फर्स्ट सर्कल ले लेते हैं, फर्स्ट सर्कल उसी तरह करेंगे, फर्स्ट सर्कल एस के प्लस माइनस के प्लस टू एस माइनस एट, इसका सेंटर और रेडियस फाइंड करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे विद जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के साथ। तो जनरल इक्वेशन क्या है? ये वाली जनरल इक्वेशन है, इसके साथ कंपेयर करेंगे, 2g इक्वल टू आ गई, दिस सिंप्लाइज 2g इज इक्वल टू टू, टू एफ वैल्यू 8y है। तो 2g इज इक्वल टू 2fy इज इक्वल टू माइनस एट माइनस एट सॉरी c इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है? 2 से डिवाइड कर देना, तो जी इज इक्वल कितना आ गया 1, एफ इज इक्वल टू माइनस 4 और सी इज इक्वल टू 0। तो सर्कल का जो सेंटर है वो क्या आ गया? सी इज इक्वल टू माइनस जी माइनस एफ, कितना आ गया माइनस 1 और 4। तो रेडियस क्या हो गया? जी स्केयर प्लस एफ स्केयर प्लस सी। इसको ज़रा चेक कर लें, जो इक्वेशन मैंने लिखी है वो ठीक भी आ जाने, मुझे कुछ इसमें गड़बड़ लग रही है। तो एस स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस टू एस स्केयर माइनस एट है, सॉरी ये वाला माइनस एट है, वाई नहीं है इसके साथ। एस स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस टू एस माइनस एट, एस स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस टू एस माइनस एट, ठीक है।
ये सी की वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू माइनस 8 आ जाएगी, सी की वैल्यू एफ की वैल्यू 0 आ जाएगी, एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, एफ इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू माइनस 8, एस के प्लस वाई एस के प्लस 2 एस माइनस 8 एस के साथ वाई नहीं है। अब ठीक है जी, तो 2g इज इक्वल टू प्लस 2 हो गया, 2f इज इक्वल टू 0 और सी इज इक्वल टू माइनस 8, जी इज इक्वल टू 1 आ गया, एफ इज इक्वल 0, सी इज इक्वल टू माइनस 8, तो माइनस 1 और 0 ये क्या आ गया, माइनस 1 और 0 आ गया। अब रेडियस फाइंड कर दे, रेडियस इक्वल क्या होता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी और इसका स्क्वायर रूट, जी की वैल्यू कितनी है 1 है, एफ की वैल्यू 0, माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 8, सी की वैल्यू माइनस 8 है प्लस 8 हो गया, तो ये कितना हो गया आर इक्वल टू 1 प्लस 0 खत्म हो गया, प्लस 8 इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 3, तो रेडियस आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो छोटा सर्कल जो ये वाला, इसका सेंटर आ गया माइनस 1 0, माइनस 1 0, उसका जो रेडियस है कितना आ गया आर 1, इसको सी 1 लिख लें, इसको आर 1 लिख लें, ये कितना आ गया 3 आ गया। तो स्मॉलर सर्कल है, सेंटर माइनस 1 0, उसके जो रेडियस है वो कितना आ गया 3 आ गया। और जो सेकंड सर्कल है ये वाला, इसको लेते हैं, इसका सेंटर और रेडियस फाइंड कर दिया, सेकंड सर्कल वो है एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6y माइनस 46 इक्वल टू 0। इसका भी सेंटर रेडियस फाइंड करना है, इसका भी कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन के साथ, 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, 2g की वैल्यू कितनी आ गई 2g इज इक्वल टू माइनस 6, 2f की वैल्यू 6 आ गई और सी की वैल्यू माइनस 46 आ गए। तो 2 के साथ डिवाइड कर दें, जी इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस 3, एफ इज इक्वल टू प्लस 3, सी इज इक्वल टू माइनस 46, तो सेंटर इसको सी 2 लिख लें, माइनस जी माइनस एफ माइनस जी है तो प्लस 3 हो जाएगा, ये वाला माइनस 3 हो गया, तो प्लस 3 और माइनस 3 ये आ गया, प्लस 3 और माइनस 3 माइनस 3, इसका सेंटर आ गया बड़े सर्कल का सेंटर 3 और माइनस 3। फिर रेडियस फाइंड कर, इसको आर 2 लिख लें, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, वैल्यू सपोर्ट कर दिया, जी की वैल्यू माइनस सी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस माइनस है तो प्लस हो गया 46, ये आ गया 9 प्लस 9 प्लस 46, तो क्या 9 प्लस 9 18 हो गया, तो आर 2 इज इक्वल 18 प्लस 46, 14 64 हो गया, इज इक्वल कितना आ गया 8। जो बड़ा सर्कल है उसका जो रेडियस है वो कितना आ गया, ये यहाँ से कहीं यहाँ तक आर टू इज इक्वल 8। छोटे सर्कल का रेडियस आर 1 3 है और बड़े सर्कल का रेडियस आर 2 ये वाला 8 के इक्वल है। अब मैंने प्रूव करना है दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं इंटरनली, तो कैसे प्रूव करेंगे, सर्कल्स विल टच इंटरनली इफ, वही कंडीशन है C1 C2, जब एक्सटर्नली हो तो फिर हमने क्या लिखा था R1 प्लस R2 लिखा था, ये इंटरनली है तो हम क्या लिखेंगे R2 माइनस R1, ये बड़ा सेंटर है, ये बड़ा रेडियस है, ये बड़ा छोटा रेडियस है R2 माइनस R1। तो जब हमें प्रूव करना सर्कल टच करते हैं एक्सटर्नली, फिर हमने क्या लिखना है R1 प्लस R2 लिखना है, जब हमने प्रूव करना सर्कल टच करते हैं इंटरनली, फिर क्या लिखना है R2 माइनस R1। ठीक है, R2 माइनस R1, आर टू की वैल्यू 8 है, आर वन की वैल्यू 3 है, इज इक्वल टू 5। अब हम क्या फाइंड, आर टू माइनस आर वन की वैल्यू 5 आ गई, अब C1 C2 फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट सर्कल सेंटर क्या है, माइनस 5 0,
और सेकंड सर्कल का सेंटर है 8 3 -3। तो डिस्टेंस फाइंड करें बिटवीन दीज टू सेंटर्स C1 C2। तो डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स S2 - S1 स्क्वायर Y2 - Y1 स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। तो 3 में से 1 माइनस करेंगे 3 प्लस हो जाएगा, फिर -3 -0। तो फिर 3 + 1 = 4 हो गया, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 हो गया, 16 + 9 कितना आ गया 25, ये आ गया इक्वल टू 5। ये देखिए R2 - R1 हमने फाइंड किया 5 है, C1 C2 ये भी 5 है। क्या लिखा है C1 C2 डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, ये भी आपको ये स्टेटमेंट आपको SQ में पूछी जा सकती है, उसका हमने यहाँ लिखा है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ रेडियस। इसको क्या बोलेंगे डिफरेंस ऑफ रेडियस इज इक्वल टू, ये भी 5 के इक्वल है, ये भी 5 के इक्वल है। तो देयरफॉर लिख देंगे सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली क्वेश्चन नंबर नाइन। इसमें सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है ऑफ रेडियस 2 एंड टेंजेंट टू द लाइन S - Y - Y = 0 एट द पॉइंट A1 - C। तो सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका रेडियस 2 है और जो टेंजेंट टू द लाइन है एट दिस पॉइंट 1 - C, यानी ये लाइन सर्कल को इस पॉइंट के ऊपर टच करती है, टेंजेंट है। ये सर्कल बना लेंगे सर्कल, ठीक है, इसका रेडियस कितना R = 2, ये उसने बताया रेडियस ऑफ दिस सर्कल = 2। तो ये लाइन है ये वाली S - Y, ये टेंजेंट टू द लाइन है एट द पॉइंट A1 - 3। तो सर्कल की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो अब देखिए इसका रेडियस दिया हुआ है ना, जब रेडियस दिया तो आप कौन सी इक्वेशन लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल। जब भी आपको रेडियस दिया होता है तो आपने कौन सा सर्कल लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल लिखनी है। सपोज कर लेंगे सपोज इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या हो गया S - H² + Y - K² इज इक्वल टू R। इसको एच के जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें जो सर्कल का सेंटर होता है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं एच के और रेडियस आर है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। इट पास थ्रू तो ये पास करता है, ये पॉइंट जो सर्कल के ऊपर है ना, तो इट पास थ्रू ए क्या 1 - C एंड उसका रेडियस भी दिया हुआ है, रेडियस कितना है 2 है। तो हमने सपोज कर लिया सर्कल की इक्वेशन सपोज कर ली, अब हमने इनको यूज़ कर लेंगे। तो जो सर्कल है इस पॉइंट में से पास करता है उसका जो रेडियस है वो सिंपल बताया हुआ कितना है 2 है। तो दिया हुआ तो एस को हम क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे 1 - H² वाई को क्या लिख लेंगे -C y - C हो गया -C - K² आर की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। तो हमने क्या किया यहाँ पर एस की वैल्यू 1 लगा दी है, वाई की वैल्यू -C लगा दिया, आर की वैल्यू 2 लगाई है, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4। ये फर्स्ट क्वेश्चन मान गई। अब हमने क्या करना है एच की वैल्यू फाइंड करनी है और के की वैल्यू फाइंड करनी है। एच और के की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट कर देंगे तो सर्कल की इक्वेशन आ गई। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन हमें और चाहिए, ठीक है। अब ये देखें इसे हम कहते हैं रेडियल लाइन, जो सी ए के है रेडियस है ना, इसे हम कहते हैं रेडियल लाइन कहते हैं। ये वाली टेंजेंट लाइन है, रेडियल लाइन और टेंजेंट लाइन हमेशा एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। रेडियल लाइन और टेंजेंट लाइन हमेशा एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। तो दोनों लाइन का स्लोप फाइंड कर लेंगे, इसका भी स्लोप फाइंड कर लेंगे, इसका भी स्लोप फाइंड कर लेंगे। तो स्लोप ऑफ रेडियल लाइन, रेडियल का होती है सी है, ये लाइन का सिंबल है।
पॉइंट है दो हमारे पास, ए पॉइंट क्या है सी एच के, दूसरा पॉइंट ए है वन माइनस के, ये दो पॉइंट्स हैं। तो हम स्लोप इसको एम वन लिख लें, स्लोप पर रेडियस का स्लोप एम वन, क्या फार्मूला होता है वाई टू माइनस वाई वन ओवर एस टू माइनस एस वन, ये एस वन वाई वन हो गया, ये एस टू वाई टू हो गया। तो वाई टू क्या लिखा है माइनस थ्री, वाई वन क्या लिखा है के, फिर एस टू क्या लिखा वन है, वन माइनस है, ये आ गया स्लोप ऑफ रेडियल लाइन। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन क्या है, ये टेंजेंट लाइन है एस माइनस फाइव माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से देखें ये कोएफिशिएंट ऑफ एस क्या है वन है, तो ए की वैल्यू वन आ गई, कोएफिशिएंट ऑफ वाई क्या है माइनस वन है, तो बी की वैल्यू माइनस वन। ए क्या चीज़ है, कोएफिशिएंट ऑफ एस वन, बी क्या है कोएफिशिएंट ऑफ वाई माइनस वन। तो इसका एम टू लिखें स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको क्या लिख रहे हैं एम टू। जब लाइन की क्वेश्चन दी होती है इस फॉर्म में, जब आपको लाइन की क्वेश्चन दी इस फॉर्म में, तो भी इस लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, माइनस ए ओवर बी, ये फॉर्मूला है टू फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन माइनस ए ओवर बी। माइनस ए की वैल्यू कितनी है वन, बी की वैल्यू माइनस वन है, ये प्लस वन हो गया। क्या लिखें, सिंस रेडियल लाइन, सिंस रेडियल लाइन इस परपेंडिकुलर, इसका एक सिंबल है परपेंडिकुलर का सिंबल है, इस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट लाइन, जो रेडियल लाइन और टेंजेंट लाइन हमेशा एक दूसरे के बाद परपेंडिकुलर होते हैं। ये भी आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इसको भी आपने याद रखना है, टेंजेंट रेडियल लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, जब दो लाइनें एक दूसरे के बाद परपेंडिकुलर हो तो फिर क्या होता है उनके जो स्लोप्स हैं उनकी पैरामीटर किसके इक्वल होती है, माइनस वन के इक्वल होती है। जब भी दो लाइनें एक दूसरे के बाद परपेंडिकुलर तो उनके स्लोप्स की पैरामीटर माइनस वन होती है। दिस इंप्लाइज एम वन के वाली ये वाली है माइनस ए माइनस के, एम टू के वाली ये वाली है वन, सॉरी एम वन डिवाइडेड बाई कितना आ गया वन माइनस एच, एम वन हो गया, एम वन की वैल्यू माइनस ए माइनस के वन माइनस एच, एम टू वैल्यू कितनी है वन है इज इक्वल टू माइनस वन। तो दिस इंप्लाइज माइनस ए माइनस के ये वन माइनस एच इधर आएगा माइनस वन के साथ, माइनस वन इंटू वन माइनस एच, दिस इंप्लाइज माइनस सी माइनस के इज इक्वल टू माइनस वन प्लस एच, ये माइनस वन प्लस एच वन इधर लिया है, दिस इंप्लाइज माइनस सी इधर माइनस वन इधर प्लस वन हो जाएगा प्लस वन माइनस के इज इक्वल टू एच। तो माइनस सी प्लस वन कितना आ गया माइनस टू, माइनस टू सॉरी माइनस टू माइनस के, माइनस टू माइनस के इज इक्वल एच, इसको इक्वेशन नंबर लिख लें टू, इसको लिखें इक्वेशन नंबर टू। तो एच की वैल्यू आ गई माइनस टू माइनस के, ठीक है। तो पुटिंग पुटिंग एच इज इक्वल माइनस टू माइनस के इन इक्वेशन नंबर वन, एच की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर वन इसमें पुट कर दें यहाँ पर, तो वन माइनस है ये क्या वन माइनस एच, तो क्या लिखेंगे वन माइनस एच कहते हैं कि दोनों के साथ चेंज हो जाएंगे प्लस टू प्लस के हो जाएगा, ये वन ये क्या वन माइनस एच, पहले वन लिखेंगे माइनस एच करेंगे तो माइनस की वजह से दोनों के साथ चेंज हो गए, ये क्या इसमें से माइनस ये माइनस के इसमें से माइनस का कामन ले लें, इन दोनों में से माइनस आए कामन है माइनस ये थ्री प्लस के हो जाएगा और इसका स्केयर इज इक्वल फोर, तैयार एच का लिमिट कर दिया मैं से माइनस आए कामन ले लिया, ये वन प्लस थ्री टू कितना आ गया थ्री, ये हो गया थ्री प्लस के स्केयर है थ्री प्लस के स्केयर, स्केयर की वजह दिया स्केयर है ये स्केयर है माइनस आए को ख़त्म कर देता है, ये हो गया थ्री प्लस के स्केयर इज इक्वल फोर। अब स्केयर खोल दें इसका स्केयर कितना नाइन, ये ऐड कर लें दोनों को, ये भी थ्री प्लस के स्केयर ये भी थ्री प्लस के स्केयर है, कितने दो दफ़ा हो जाए दो दफ़ा ना ये दो दफ़ा तो टू टाइम्स हो जाएगा टू टाइम्स थ्री प्लस के
स्क्वायर इज इक्वल फोर, टू से डिवाइड कर टू इधर आ जाएगा तो कितना आ गया, ये हो गया थ्री प्लस के स्क्वायर इज इक्वल फोर ओवर टू। अब इसका स्क्वायर कौन है, थ्री का स्क्वायर नाइन हो गया, इसका स्क्वायर के स्क्वायर हो गया प्लस थ्री टू जर सी स्क्वायर फोर ओवर टू टू। तो दिस इम्प्लाइज के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस नाइन माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ये आ गया के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सेवन इक्वल टू, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस टाइम फैक्टर नहीं बना सकते, फैक्टर नहीं बनते फिर क्या करेंगे, हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको सॉल्व कर लेंगे। ए की वैल्यू कितनी है वन, ए इज इक्वल टू क्या वन, बी इज इक्वल टू सिक्स, सी इज इक्वल टू सेवन, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर नहीं बना सकते फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे। के इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए। यहाँ पर के स्क्वायर है इसे मैंने के लिखा, अगर एस स्क्वायर होते एस लिखना था वैल्यूज पॉइंट कर दें, के इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू कितनी है सिक्स प्लस माइनस के बी का वैल्यू सिक्स स्क्वायर माइनस फोर ए की वैल्यू वन है, सी की वैल्यू सेवन है, टू इंटू वन। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको के इज इक्वल टू माइनस सिक्स प्लस माइनस ये थर्टी सिक्स हो गया, फोर सेवन जार ट्वेंटी एट डिवाइडेड बाई टू। इसको नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं तो के इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस सिक्स प्लस माइनस थर्टी सिक्स प्लस ट्वेंटी एट कितना आ गया एट हो गया, एट ओवर टू। इसको लिखेंगे माइनस सिक्स प्लस माइनस एट को हम लिखते हैं फोर इंटू टू ओवर टू, माइनस सिक्स प्लस वन ये फोर का स्क्वायर रूट टू हो जाएगा, ये टू हो गया, ये टू उसके अंदर रह गया डिवाइडेड बाई टू। के इज इक्वल टू इसमें से टू कामा ले लें, टू कामा ले लें, माइनस थ्री ये हो गया माइनस थ्री प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट ऑफ टू डिवाइडेड बाई टू, टू के साथ काट गया माइनस थ्री प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ टू। तो के की दो वैल्यूज आ गई, के की एक वैल्यू क्या आ गई माइनस थ्री प्लस आई के साथ प्लस स्केयर रूट ऑफ टू, और के की दूसरी वैल्यू आ गई माइनस थ्री माइनस स्केयर रूट ऑफ, तो के की प्लस माइनस है एक दफा प्लस लगा दिया एक दफा माइनस लगा दिया, इसके दो हिस्से कर लें, क्या करेंगे इसके हम दो हिस्से कर लेते हैं, दरम्यान में आप लाइन लगा लें, दो सवाल बन जाएंगे। एच के वैल्यू एच एच इक्वल टू क्या होता है माइनस टू माइनस के, हमने लिखा था क्वेश्चन नंबर टू से, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर टू ये लिखा था हमने एच एज इक्वल टू क्या है माइनस टू माइनस के, फ्रॉम टू लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू, फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू एच एज इक्वल माइनस टू माइनस के, एच एज इक्वल माइनस टू माइनस के ये माइनस टू लिखता है माइनस के वाली वैल्यू लगा दें, माइनस के वैल्यू क्या है माइनस थ्री प्लस अंडर रूट टू स्केयर रूट ऑफ टू, एच इज इक्वल माइनस टू माइनस में प्लस हो गया प्लस थ्री माइनस स्केयर रूट ऑफ टू, एच इज इक्वल थ्री माइनस टू कितना आ गया वन, वन माइनस स्केयर रूट ऑफ टू, ये वाली आ गई के की वैल्यू आ गई, ये वाली एच की वैल्यू आ गई। अब इधर से फाइंड कर लें एच इज इक्वल माइनस टू माइनस के की वैल्यू ये वाली माइनस थ्री माइनस स्केयर रूट ऑफ टू, माइनस टू प्लस थ्री प्लस स्केयर रूट ऑफ टू, एच इज इक्वल थ्री माइनस वन प्लस स्केयर रूट ऑफ टू। अब ये के की वैल्यू आ गई, ये वाली के की वैल्यू, ये वाली एच की वैल्यू। अब हम क्या करना है पुटिंग, ये लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपने फाइंड किया, ये वाली फर्स्ट क्वेश्चन है वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस सी माइनस के स्क्वायर इक्वल टू फोर, इसमें एच और के वैल्यू सपोर्ट कर देंगे, फ्रॉम वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस है माइनस सी माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू
फोर इधर भी लिख लें, वन माइनस एस केयर प्लस माइनस ए माइनस के एस केयर इक्वल फोर। तो पहले इसमें से माइनस साइन कामा ले लें, आसान हो जाएगा। वन माइनस एस केयर माइनस साइन कामा लें तो क्या होगा, थ्री प्लस के बड़ी ब्रैकेट लगा लें स्केयर इक्वल फोर, वन माइनस एस केयर स्केयर है माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा, थ्री प्लस के स्केयर इक्वल फोर। अब एच के वैल्यू पुट कर दें, वन माइनस एच के वैल्यू कितनी, ये वाली जब वहाँ माइनस है तो इनका साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, माइनस वन प्लस स्केयर रूट ऑफ टू, ठीक है स्केयर। यहाँ पर क्या लगाना है, एक्स है सॉरी, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई। इसमें पुट करना है हमने सर्कल क्वेश्चन फाइंड करनी है, तो इसमें पुट करेंगे एस माइनस एस के प्लस वाई माइनस के एस के इक्वल आर स्क्वायर, ठीक है इसमें पुट करेंगे। मेरे से गलती हो गई लिखने में, तो एस माइनस एस के इसको दोबारा कर लेते हैं, एस माइनस एस के प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है फोर है। एस माइनस एच करना है माइनस एच करना तो माइनस वन प्लस हो जाएगा, माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टू स्क्वायर प्लस वाई माइनस के, वाई माइनस के करेंगे ये प्लस हो या माइनस हो जाएगा, प्लस थ्री माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टू इसका स्क्वायर इज इक्वल फोर, ये आपने आंसर आ गया। अब इस पर भी ये यहाँ पर क्या है सॉरी, एस माइनस एस स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर के, आर की वैल्यू टू है तो फोर हो गया, तो एस माइनस एच की वैल्यू कितनी है ये वाली, माइनस वन माइनस माइनस है इन दोनों के साथ चेंज हो जाएंगे, माइनस वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टू इसका स्क्वायर वाई माइनस के है तो दोनों के साथ प्लस हो जाएगा, प्लस थ्री प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टू और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू फोर। इसका आप स्केयर भी खोल सकते हैं, स्केयर खोलें तो उसका सिंप्लीफाई कर लें, तो ये क्वेश्चन पहली लेंथ ही है इसको आप ऐसे रहने दें, ये दोनों आंसर आपके ठीक है। तो ये क्या सर्कल की क्वेश्चन आ गई, दूसरी वाली सर्कल की क्वेश्चन आ गई, तो उम्मीद है कि आपको तमाम क्वेश्चन की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।